सिर्फ मुक्तारण सारी माफिया है और कोई नहीं माफिया है, ऐसा दुकानदार पीछे जा रहे हैं 20 वर्ष से हैं यहाँ पर। आप लोग को ये नहीं पता था कि ये बिल्डिंग मुख्तार अंसारी की है और सरकार लगातार मुख्तार अंसारी के संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है? ये टोटल राजनीतिक साजिश है। ये राजनीतिक साजिश में उन लोग के चक्कर में हम लोग दुकान व्यापारी जितने भी हैं इसमें पीछे जा रहे हैं। ये राजनीतिक साजिश आप करार दे रहे हैं? हाँ। सरकार के नियम कानून को नहीं मानते आप? तो कब नोटिस आप लोग को दी? हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं मिला। अच्छा। सुबह 11 बजे प्रशासन आई और उन्होंने कहा कि ये दुकान जो है आपको खाली कर दीजिए, ये कुर्क होगा। इस आदेश की कॉपी पर जो तारीख अंकित है वो तारीख है 21 दिसंबर 2021 की, आज है 22 दिसंबर। अभी अभी 20 मिनट पहले कुर्की होने के बाद, यानी अभी जस्ट इसको रिसीव कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। एक बार फिर मुख्तार अंसारी के बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसको गजल होटल बोला जाता है। जो पूरा कैंपस है महुआ बाग में, पहले भी इस बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई थी, उस समय बुलडोजर चला था और बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल को गिराया गया था। एक बार फिर आज ये कार्रवाई हुई है। नीचे जितनी दुकानें हैं, यूं कह लें कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है, कुर्क हो गई है बिल्डिंग। पहले देखिए ये रिपोर्ट। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की मौजा मोहम्मद पट्टी महुआ बाग स्थित बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। गाजीपुर के महुआ बाग में उस समय भीड़ लग गई जब प्रशासन पूरे दल बल के साथ गजल होटल पहुंची थी। प्रशासन ने गजल होटल को कुर्क कर दिया। गजल होटल में कई सारी दुकानें हैं, जिससे दुकानदारों के रोजगार पर भी गंभीर सवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें, इसके पहले गजल होटल के पहली मंजिल को जिलाधिकारी के आदेश पर बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया था और अब एक बार फिर जिलाधिकारी के आदेश पर गजल होटल के कैंपस को कुर्क किया गया है। आदेश के अनुसार बताया जा रहा है कि संपत्ति की कुल कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की, जो ये महुआ बाग स्थित ये 17 दुकानें हैं और जो यहाँ पर कमर्शियल भूमि स्थित है लगभग 400 वर्ग मीटर, इन भू संपत्ति और भवन संपत्तियों को आज कुर्क किया जा रहा है। सर, इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? ये जो 17 दुकानें जो यहाँ पर महुआ बाग में स्थित है और जो भू संपत्ति स्थित है, इसकी कुल लगभग जो बाजारों मूल्य है वो 10 करोड़ 10 लाख रुपये है। सर, ये जो कार्रवाई हुई है किसके तहत हुई है? ये जो कार्रवाई है, गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था थाना अहमदाबाद में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध। उसी मुकदमे में आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी की जो ये बिल्डिंग है, जिसे IS-191 का गैंग लीडर कहा जा रहा है, जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बिल्डिंग में कई सारी दुकानें हैं, कई लोगों का रोजगार चलता है, ये दुकानें अब तक क्यों नहीं बंद हुई थी, या इनको लीगल नोटिस दी गई थी या नहीं दी गई थी? यदि दी गई थी तो परेशानियां किस तरह की हैं? तमाम दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। आप दुकानदार हैं? हाँ। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी बात है अग्रवाल स्टेनलेस की। तो कब नोटिस आप लोग को दी गई? हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं मिला। अच्छा। सुबह 11 बजे प्रशासन आई और उन्होंने कहा कि ये दुकान जो है आपको खाली कर दीजिए, ये कुर्क होगा। कब आ जाए? हम लोग कल जो है शाम को जिलाधिकारी साहब के गए थे, DM साहब के, उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में कोई नहीं बात है। अच्छा। अगर कोतवाल साहब आए कहे आपसे, आप कोतवाल साहब से मिलेंगे। अच्छा, शाम को आप लोग जिलाधिकारी साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला संज्ञान में कुछ नहीं है जी, और कोतवाल साहब आए थे तो कोतवाल साहब से। आप भी दुकानदार हैं? जी, हमारा ऑफिस है, कलेक्शन मेंस फेयर क्लोथ है। हाँ, तो आपको भी नोटिस नहीं मिली? जी, मेरा नाम विनय कुमार है। हाँ, और
हम लोग बहुत भयभीत हैं, बहुत परेशान हैं कि एक बैग 11 बजे आके पूरी प्रशासन के साथ और कहे कि दुकान खाली करना है, और ऐसा लगे मानने की हृदय गति रुक गई है हम लोगों की और कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ जानकारियां आई थी कि कल शाम को ही ये पता चल गया था कि आज कुर्की होगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। आज हमारे यहाँ अधिकारी महोदय आए थे और दिखाए अपना स्लिप की नहीं, डीएम साहब के यहाँ से आदेश पारित हो गया है तो इसे खाली करना है। हमने उन्हें बहुत प्रयास किया कि सर हम लोग जितने दुकानदार हैं, क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। किस चीज की दुकान है? सोनी चांदी की। अच्छा, हम लोग को शुरू से ही अंधेरे में रखा गया है। जब हम लोग डीएम साहब से मिलने गए थे तो डीएम साहब का हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए अपनी अपनी दुकानें करिए वहाँ पे। अच्छा, आप लोग कब गए थे डीएम साहब के पास? कब गए? कल रात में भी हम लोग मिले थे। अच्छा, कल रात को? हाँ, और उससे पहले भी एक महीने पहले जब यहाँ पे नपैया जो किया हो रहा था उस समय भी हम लोग गए थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। क्या किसी तरह का ऐसा कोई कानून भी बताया जा रहा है कि आप जिलाधिकारी के कोर्ट में जाएं तो वहाँ से आप लोग को कुछ सहूलियत मिल सकती है? हाँ, ये तो ओरली उन लोगों ने तो बोली रखा है, लेकिन ये केवल एक लोरी गा के सुना के सुताने का काम ये लोग किए हैं, बस हम लोगों को अंधकार में रखा गया है। अभी आज कप्तान साहब ने हम लोगों से टेलीफोनिक बात हुई है और यहाँ के जो विमलेश कुमार है कोतवाल साहब, उनसे कप्तान साहब ने बात भी की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार दुकानदारों को डिस्टर्ब नहीं न करो, उनका सामान अंदर ही रहने दो, बस अपना फोटो वोटो खींच लो और फिर जैसे वो हैं वो रहने दो, और राजकीय कोष में इन लोगों से इन लोगों का किराया रेंट जो भी बनता हो जमा कराओ। तो अभी क्या ये कहा जा रहा है कि आप राजकीय कोष में जमा करेंगे तो दुकानें नहीं बंद होंगी? ऐसा तो आश्वासन हम लोग को दिया गया है। तो ये दुकानें क्यों खाली हो रही है? ये दुकानें केवल एक तरीका से समझिए कि गुंडई हुई है हम लोग के साथ। तो ये खाली करवाया जा रहा है कि आप लोग अपने मन से खाली कर रहे हैं? हम करवाई अपने मन से कोई नहीं खाली किया है, जबरदस्ती जबरदस्ती गुंडई की गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप दुकानें मत खाली करो, राजकीय कोष में पैसा जमा करो, दूसरी तरफ एक वीडियो और सामने आया जिसमें यहाँ के सीओ सिटी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जिलाधिकारी कोर्ट का सहारा लीजिए, आपको वहाँ पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और तीसरी तरफ जब ये कार्रवाई होती है तो दुकानें खाली भी करवाई जाती हैं। दुकानें पहले भी खाली करवाई गई थी जब ये ऊपर की बिल्डिंग टूट रही थी। कि किस तरह का आर्थिक नुकसान होता है? टोटल आर्थिक मानसिक शारीरिक हर तरह से हम लोग का पूरे व्यापारियों का यहाँ पे शोषण किया गया है। कितनी दुकानें हैं सर? सबसे बड़ा सवाल ये है, मनीष जायसवाल सर, सबसे बड़ा सवाल है कि ये 17 दुकानों से कम 50 परिवार चलते हैं, दुकानदार हैं, उनके स्टाफ हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो एकाएक रोड पे आ गए ना, एकदम से वो भिखारी हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे? दुकानें सील हो गए, उनका रोजी रोटी यही, अब अपने परिवार को कैसे पालेंगे, क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये, सरकार इनके मुआवजे के तौर पर इनको कहीं दुकानें दिलवाएं, ये करे सरकार, या तो फिर ऐसा हम कहते हैं कि योगी जी कहते हैं हम गरीबों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन ये तो गरीबों के साथ सरासर नाइंसाफी हो गई ना। हमको दिया गया, रजिस्ट्रिंग कराई गई है सीओ साहब द्वारा, ये देख लीजिए पहले, अब बताइए कि जब दुकानदारों को नोटिस नहीं मिलेगी आप तुरंत ये किस डेट में तुमको मिला है नोटिस? अभी नहीं, किस डेट में है? 21 दिसंबर 2021 का डेट पड़ा हुआ है ये, कितना है? यानी कल का रिसीविंग आज कराई रखे हैं अपने पास, रिसीविंग आज आपसे कराई आज कराई गई। अभी आप लोगों ने देखा भी तो है, ओनर हूँ यहाँ का, पूरा सही देखता हूँ। अच्छा, और अभी हमको बुलाकर कराया गया है, अभी आपसे रिसीविंग कराई जी बिल्कुल, और यहाँ पे सारी वीडियो बनी है। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये जो आदेश की कॉपी है जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की तरफ से, इस आदेश की कॉपी पर जो तारीख अंकित है वो तारीख है 21 दिसंबर 2021 की, आज है 22 दिसंबर, आज 22 दिसंबर है, और 22 दिसंबर को इनसे इस नोटिस को रिसीव कराया जा रहा है, और इनका आरोप है कि सुबह 11 बजे इन्हें बताया जाता है कि दुकान खाली करो और अचानक से दुकान खाली करवा दिया जाता है। बहुत बड़ा आरोप है सरकार को, प्रशासन को के बाद कराई गई है, सब सरकार को प्रशासन को कार्रवाई होने के बाद अभी अभी बीच में पहले कुड़की होने के बाद, यानी अभी जस्ट इसको रिसीव कराया जा रहा है। सिर्फ मुख्तार अंसारी माफिया है और कोई नहीं माफिया है क्या? बीजेपी में लोग नहीं है? तमाम बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, कर रहे हैं तांडव, तुम नहीं लोग बोल रहे हैं? आज बताइए मुख्तार अंसारी माफिया है, गरीब दुकानदार है, कहाँ जाएंगे? ये केवल राजनीतिक द्वेष की वजह से सिर्फ मुख्तार अंसारी के साथ राजनीति की जा रही है, ये हम लोग उसमें पीछे जा रहे हैं, दुकानदार पीछे जा रहे हैं, 20 वर्ष से हैं यहाँ पर,
हाँ आप बताइए हम लोग अपने बच्चे को कैसे पाले, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग दुकान छोड़? 20 बरस से हम लोग आए, हमको कहाँ मालूम है कि वो क्या है क्या नहीं। मुख्तार अंसारी का गरीबों का मसीहा है, सारा जिला जानता है गरीबों का मसीहा, वो क्यों किसी का घर बिगाड़ेगा, वहाँ भी गरीबों का मसीहा। तो यहाँ पर लोग मुख्तार अंसारी का साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ जो ये बिल्डिंग है ये मुख्तार अंसारी के नाम पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे बड़ा सवाल है कि यदि किसी भी प्रॉपर्टी को खाली कराई जाती है, वहाँ रोजगार होता है, वहाँ लोगों की दुकानें होती हैं, उसके लिए एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उस तरीका से उस दुकानों को खाली कराना चाहिए, व्यवस्थाएं करनी चाहिए, व्यवस्थाएं होने के बाद ही जाकर फिर दुकानों को खाली कराना चाहिए, ताकि किसी भी जनमानस के रोजगार पर कोई असर ना पड़े। देखते हैं आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।